हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा एजुकेशन चैनल आरके बायोलॉजी क्लासेज में। तो आज जिसमें अपन चर्चा करते हैं फ्रेंड्स, आने वाली जो अपनी पटवारी एग्ज़ाम है उसकी दृष्टि से हिंदी सब्जेक्ट से पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसमें हिंदी व्याकरण पर सब्जेक्ट में एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों के ऊपर आज अपन चर्चा करेंगे। तो इनका मैंने एक पेपर सेट तैयार किया है फ्रेंड्स, यानी कि अपना मॉडल पेपर फर्स्ट, जिसमें 50 क्वेश्चनों पर आज अपन चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे जैसे मैं क्वेश्चनों पर चर्चा करता हूँ, आप साथ साथ में इस पर फोकस कीजिए और मेरे से पहले आंसर देने की कोशिशें कीजिए, ताकि पता चल सके कि आपकी पढ़ाई कितनी है, आपकी तैयारी हो रही है या नहीं हो रही है। 50 में से अगर आप 35 क्वेश्चनों के भी आंसर दे देते हैं फ्रेंड्स, तो ये मान लीजिए कि आप अभी कंपटीशन में बने हुए हैं और अपनी तैयारी को और ज़्यादा बेटर बना सकते हो। तो देखिए फ्रेंड्स, अपना फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ई स्वर का सही वर्गीकरण है। ऑप्शन देखिए, फर्स्ट ऋस्व, अग्र, अवृताकार, संवृत और अननुनासिक। सेकेंड दे रखा है ऋस्व, पश्च, अवृताकार, संवृत और अननुनासिक। थर्ड ऋष्व, पश्च, वृताकार, अर्ध संवृत और अननुनासिक। और फोर ऑप्शन देखे तो ऋष्व, अग्र, वृताकार, अर्ध संवृत और अननुनासिक। तो इन चारों ऑप्शन में से फ्रेंड्स आपने सजेस्ट कर लिया होगा कौन सा क्वेश्चन आंसर सही होगा। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स कि यहाँ पर अपना जो फर्स्ट ऑप्शन है ए कि ऋष्व, अग्र, अवृताकार, संवृत और अनुनासिक, यह बिल्कुल सही वर्गीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से च वर्ण का सही वर्गीकरण बताइए आप। तो फर्स्ट ऑप्शन तालव्य, स्पर्श, अघोष, महाप्राण, स्पर्श, संघर्षी। सेकेंड तालव्य, स्पर्श, सघोष, महाप्राण और स्पर्श संघर्षी। थर्ड तालव्य, स्पर्श, अघोष, अल्पप्राण, स्पर्श संघर्षी। और चौथा ऑप्शन तालव्य, स्पर्श, सघोष, अल्पप्राण, स्पर्श संघर्षी। तो इन चारों ऑप्शन में से फ्रेंड्स अपना ऑप्शन सही होगा थर्ड, यानी कि स ऑप्शन सही है, जिसमें च वर्ण का सही वर्गीकरण क्या होगा, तालव्य, स्पर्श, अघोष, अल्पप्राण और स्पर्श संघर्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से महादंते घोष वर्ण है। त, थ, द और ध। तो इनमें से महादंते घोष वर्ण कौन सा होगा फ्रेंड, सजेस्ट कीजिए। यह होगा अपने द, यानी कि ध सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा विकल्प असुमेलित है। र, प्रकंपित, ज, संघर्षी, अनयनासिक्य और व, संघर्षहीन। तो इनमें से विकल्प असुमेलित कौन सा है फ्रेंड्स, यह अपने ब ऑप्शन, जिसमें दे रखा है ज, संघर्षी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से शब्दकोश में सबसे अंत में लिखे जाने वाला शब्द कौन सा है। ज्ञान, त्रिशूल, क्षमा और हल। तो इनमें से है फ्रेंड्स द ऑप्शन, यानी कि हल इसमें सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माधुर्य शब्द में कुल कितने वर्णों का प्रयोग हुआ है। माधुर्य शब्द में कुल कितने वर्णों का प्रयोग हुआ है, तो इसमें हुआ है 3, 6, 7, 7.5। तो इनमें प्रयोग हुआ है फ्रेंड्स 6 का, ब ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से असुमेलित विकल्प है। श्र, जो बना है श प्लस री से, ध, जो बना है ध प्लस द से, है प्लस म से, श, क प्लस श से। तो असुमेलित कौन सा होगा फ्रेंड्स इनमें से, इनमें से असुमेलित की बात करते हैं तो अपन आता है ब, असुमेलित की बात करते हैं तो वह ब आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राचीन मान्यता के अनुसार उच्चारण स्थानों की कुल संख्या मानी जाती है 8, 9, 10, 11, तो यह मानी गई है फ्रेंड्स 8, ए ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ल वर्ण की संज्ञा है प्रकंपित, उत्तिशप, पार्श्विक, संघर्षी, तो यह मानी गई है फ्रेंड्स इसमें स, पार्श्विक जो है वह सही है। नेक्स्ट, निम्न में से करण संज्ञा का अंग कौन सा है जिह्वा, कान, ओष्ठ, ग्रीवा, तो यह अंग माना गया फ्रेंड्स जिह्वा, ए ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से देशज शब्द है कदली, गधा, बाप, आदमी, तो इनमें से देशज शब्द है गधा, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थ के आधार पर शब्द कितने प्रकार के होते हैं 2, 3, 4, 5, तो अर्थ के आधार पर शब्द होते हैं फ्रेंड्स 3 प्रकार के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से खग शब्द की श्रेणी है रूढ़, यौगिक, योगरूढ़ो या कोई नहीं, तो खग शब्द की श्रेणी मानी गई है फ्रेंड्स योगरूढ़, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, निम्न में से योगरूढ़ शब्द है रसोईघर, हवामहल, राजपुत्र और यथाशक्ति, तो इनमें से हवामहल जो शब्द है वह योगरूढ़ शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समूह के सभी शब्द तत्सम है दीप, नयन, नारियल, कर्ण, आरोह है, सेकंड ऑप्शन कंगन, गर्दभ, चित्र, सुख, थर्ड ऊंट, री, छाती, मरकट, घोड़ा और द अमृत, शमशान, घटिका, कपाट, यजमान, तो इनमें से फ्रेंड्स अपन कहेंगे कि जो चौथा ऑप्शन अपने दे रखा है द, इसमें अमृत, शमशान, घटिका, कपाट, यजमान, ये सारे तत्सम शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिरोह शब्द में संज्ञा कौन सी है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या कोई नहीं, तो गिरोह शब्द में अपन देखेंगे कि फ्रेंड्स यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है, बी ऑप्शन सही है। निम्न में से पंजाबी शब्द में संज्ञा है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या कोई संज्ञा नहीं, तो यहाँ पर है कोई संज्ञा नहीं है फ्रेंड्स, द ऑप्शन अपना सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प के सभी शब्दों में समान संगत शब्दों का प्रयोग हुआ है, फर्स्ट ऑप्शन बालक, आदमी, प्रांत, अंग, विवेक, नदी, सेकंड हिमालय, गंगा, सोमवार, रमजान, दिशा, पंजाब, थर्ड सुख, नींद, लालिमा, रोग, सुंदरता, माधुर्य, झुंड, जत्था, दल, घुटे, भीड़ और जल, तो यहाँ पर अपन कहेंगे फ्रेंड्स इनमें से जो स ऑप्शन दे रखा अपने सुख, नींद, लालिमा, रोग, सुंदरता, माधुर्य, ये समान संज्ञक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जय रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होए, तो रेखांकित शब्द जो दे रखा बारे, इसकी संज्ञा पूछी है वाचक, लक्षक, व्यंजक या उपयुक्त है सभी, तो यहाँ पर यह एक व्यंजक है, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरि ने नारद को हरि रूप दिया, यहाँ रेखांकित शब्द की संज्ञा, रेखांकित शब्द हरि, तो संज्ञा देखिए वाचक, लक्षक, व्यंजक या उपयुक्त सभी, तो हरि शब्द में यहाँ पर संज्ञा होगी फ्रेंड्स, सजेस्ट कीजिए आप लोग कौन सी संज्ञा होगी, संज्ञा है वाचक, ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, दूरी शब्द में संज्ञा कौन सी है व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदाय वाचक, तो सोचिए फ्रेंड्स कौन सी होगी, तो दूरी वाचक में जो संज्ञा होगी वह मानी गई अपने भाववाचक, सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नजदीकिया शब्द में संज्ञा कौन सी होगी व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, समुदाय वाचक, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, और नजदीकिया यानी एक जातिवाचक है, बी ऑप्शन सही है। तुलसीदास उच्च कोटि के विद्वान है, आप अवधी भाषा पर पूर्ण अधिकार रखते हैं, तो रेखिकांकित शब्द में सर्वपान, सर्वनाम पूछा आप में कौन सा सर्वनाम है, मध्यम पुरुषवाचक, अन्य पुरुषवाचक, निजवाचक या निश्चय वाचक, तो यहाँ पर अपन कहेंगे कि जो रेखांकित शब्द है उसमें सर्वनाम की अगर बात करते हैं तो वह होगा अन्य पुरुषवाचक, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किसी ने उससे पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस वाक्य में क्रमशः किन सर्वनामों का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन देखिए फ्रेंड्स, अनिश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक या निजे वाचक। बी ऑप्शन अनिश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक या पर्सनवाचक। सी निश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक, निजवाचक। निश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और पर्सन वाचक। तो इनमें से फ्रेंड्स अपन कहेंगे कि जो बै ऑप्शन है अपने, जिसमें अनिश्चयवाचक, अन्य पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और प्रश्नवाचक, इन सर्वनामों का क्रमशः प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट, निम्न में से किस वाक्य में निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हो रहा है? वह लड़की बड़ी शर्मीली है, वह गाना गा रहा है, वह औरत चोर लगती है, यह गिलास पानी से भरा है। तो इनमें से जो बी ऑप्शन है, वह गाना गा रहा है, निश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह अत्यंत ऊंची दीवार है, इस वाक्य में प्रविशेषण है। यह अत्यंत ऊंची और दीवार, यह है इसमें सही ऑप्शन होगा अत्यंत, बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, उसका बदन फूलकर चौहरा हो गया, रेखांकित शब्द में विशेषण। गणनावाचक, क्रमवाचक, आवर्तीवाचक और समुदाय वाचक। तो इनमें सी ऑप्शन जो दे रखा आवर्तीवाचक सही है। नेक्स्ट, किस वाक्य में समुदायवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? आज कक्षा से 5 विद्यार्थी अनुपस्थित है, वह प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हो गया है, मेरे पास तुम्हारे से चौगुना धन है, या तुम चारों कल कहाँ गए थे? तो इसका सही ऑप्शन होगा, फ्रेंड्स बताइए जल्दी से, सही ऑप्शन है द ऑप्शन, तुम चारों कल कहाँ गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस वाक्य में अनिश्चय परिणामवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है? मुझे कुछ रुपये चाहिए, मुझे कुछ धन चाहिए, मुझे 5 पुस्तकें चाहिए, मुझे 5 किलोग्राम घी चाहिए। तो अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण प्रयुक्त हुआ है फ्रेंड्स, सजेशन कीजिए जल्दी से, इसमें होगा बी ऑप्शन मुझे कुछ धन चाहिए। नेक्स्ट, निम्न में से विशेषण शब्द अमीर, अमीरी, गरीबों, खुद, तो विशेषण शब्द अमीर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चा कमरे में सोया हुआ है, काल के आधार पर यह क्रिया का भेद कौन सा है? सामान्य भूतकालिक, पूर्ण भूतकालिक, अपूर्ण भूतकालिक या आसन्न भूतकालिक। तो यहाँ पर क्रिया है फ्रेंड्स अपूर्ण भूतकालिक, सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, किस वाक्य में संयुक्त क्रिया प्रयुक्त हुई है? मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, मैं अंग्रेजी बोलता था, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ या उपयुक्त सभी। तो इनमें से जो स ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड, मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, सही है। नेक्स्ट, किस विकल्प में सही संधि कार्य हुआ है? गीतावली, गीता प्लस अवली, मुक्तावली, मुक्त प्लस अवली, मूसलाधार, मूसल प्लस आधार और दीनानाथ यानी दीन प्लस है नाथ। तो यहाँ पर अपन देखेंगे इनमें से फ्रेंड्स कि जो अपना द ऑप्शन दे रखा है दीनानाथ, वह बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सही संधि कार्य हुआ है? सुख प्लस ओधन, सुखोधन, प्रधन उ प्रो है, स्व प्लस इरिणी, स्वेरिणी, गौ धन एष्णा, गवेशा। तो इनमें से फ्रेंड्स अपन कहेंगे कि जो स ऑप्शन दे रखा आपने, स्व प्लस इरिणी यानी स्वेरिणी, सही संधि का कार्य हुआ इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, संधि की दृष्टि से असमूहित विकल्प कौन सा है? मनवंतर, उपयुक्त, पित्रादेश और शावक। तो इनमें से माना गया है फ्रेंड्स शावक, यानी कि द ऑप्शन अपना जो है सही है। नेक्स्ट, किस विकल्प में वृद्धि संधि है? वसुदेव, दिनेश, गुरुपदेश और जलोर्मी। तो इनमें से जो ए ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स अपने, वसुदेव सही है, वृद्धि संधि है इसमें। किस विकल्प में विसर्ग संधि नहीं है? अतएव, नमस्ते, यशुद्रा, प्रश्नोत्तर। तो इसमें द ऑप्शन प्रश्नोत्तर है, उसमें विसर्ग संधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? मन, धन, चिकित्सक, मनिश्चिकित्सक, मन धन प्रसाद, मन प्रसाद, चमु प्लस ऊर्जा, चमूर्जा, राम धन अयन, रामायण। तो इनमें से फ्रेंड्स अपन कहेंगे कि जो द ऑप्शन अपने दे रखा है राम धन अयन रामायण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सही संधि कार्य नहीं हुआ है? अहन प्लस अहन, अहर है, मृत प्लस मूर्ति, मृण मूर्ति, महत प्लस हारिणी, मरुदारिणी और वाक धनमय
वर्ड में, तो इनमें से कहेंगे फ्रेंड जो द ऑप्शन है सही संधि नहीं है यहाँ पर, ये द ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्राशा शव शब्द का सही विच्छेद है द्राश प्लस अश्व या द्राश धन अश्व, द्राशा धन अश्व और द्राशा धन असव, तो इनमें सही प्रयोग है सी ऑप्शन, द्राशा धन अश्व सही है। नेक्स्ट, उद प्लस स्थिति का सही संधि युक्त पद क्या है, उच्छिटति उत्तिष्ठति उत्थितति और उदितति, तो इनमें सही संधि युक्त पद देखिए कौन सा है, स उत्थितति सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस वाक्य में सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है, दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए हैं, कोई सज्जन आए हुए हैं, उसका सारा परिवार आज घूमने गया है, उपयुक्त सभी, तो यहाँ पर जो बी ऑप्शन दे रखा है फ्रेंड्स, कोई सज्जन आए हुए हैं, इसमें सार्वनामिक विशेषण प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, घनश्याम शब्द में समास कौन सा है, कर्मधारय बहुव्रीहि तत्पुरुष और द्वंद्व है, तो यहाँ पर है फ्रेंड्स बी ऑप्शन, बहुव्रीहि समास होगा। निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है, भाईचारा भाई बंधु भाई बहन और भाई भौजाई, तो इनमें से सही आंसर होगा फ्रेंड्स भाईचारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण जन्म मरण देवलोक जगे जननी वज्रपाणी, तो इनमें से ए ऑप्शन जन्म मरण द्वंद्व समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सही विग्रह हुआ है, सभा पंडित सभा का पंडित, घृतान्य घृत मिश्रित अन्य, देवालय देवकालय, आशुतोष आशु का तोष, तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो दे रखा है वह सही है, घृतान्य यानी घृत मिश्रित अन्य। नेक्स्ट अंतिम क्वेश्चन देखिए, अव्यय भाव में प्रधान पद होता है प्रथम पद उत्तर पद पर पद और उभय पद, काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ने को पता है फ्रेंड्स अव्यय भाव जो समास होता है उसमें प्रथम पद क्या होता है, प्रधान होता है, इसलिए ए ऑप्शन सही है। तो ये थे फ्रेंड्स से हिंदी व्याकरण से पूछे जाने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों का बनाया हुआ एक मॉडल पेपर फर्स्ट क्वेश्चन। अगर आपको अच्छे लगे तो फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करने की कोशिश कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए फ्रेंड्स। थैंक्स।